हेलो। सबसे पहले गुजरात के सभी भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, सब लोगों, जो जो ये लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, सब लोगों को मेरा नमस्कार। और पिछले कई महीनों से मैं लगातार गुजरात आ रहा हूँ। लोग बहुत दुखी हैं गुजरात के। पिछले 27 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट है, उनमें बहुत अहंकार आ गया है। वो सुनते ही नहीं है किसी की। वो कहते हैं कि क्या कर लेंगे लोग हमारा, लोगों के पास तो ऑप्शन ही नहीं है। कांग्रेस को वोट देंगे तो हम कांग्रेस के एमएलए को खरीद लेंगे, हमें काम करने की क्या जरूरत है। आम आदमी पार्टी पिछले कई दिनों से जनता के सामने, जनता के मुद्दों के ऊपर चर्चा कर रही है। हम एक पॉजिटिव कैंपेन चला रहे हैं। हम ये बता रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम महंगाई से कैसे आपको छुटकारा दिलाएंगे, बेरोजगारी से कैसे छुटकारा दिलाएंगे, युवाओं के लिए क्या करेंगे, महिलाओं के लिए क्या करेंगे, किसानों के लिए क्या करेंगे। आज हम लोग शिक्षा और स्वास्थ्य की गारंटी देने आए हैं। गारंटी मतलब कि अगर हम काम ना करें तो हमें अगली बार वोट मत देना। तो मैं बाद में बात करूंगा। आज मेरे को बहुत खुशी है कि दुनिया के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री, ये मैं नहीं कह रहा, ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने बोला है, अमेरिका के सबसे बड़े अखबार के फ्रंट पेज के ऊपर, जहां पे दुनिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, दुनिया भर के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अपनी फोटो देखने के लिए तड़पते हैं, वो न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे मनीष सिसोदिया जी की फोटो छपी और उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री हैं। आज मैं उनको साथ में लेके आया हूँ। गुजरात के बच्चों का भविष्य हम कैसे बनाएंगे, गुजरात के बच्चों को हम कैसे अच्छी शिक्षा देंगे, पहले ये उस पर बात करेंगे, फिर मैं आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, साथ ही गुजरात की आम आदमी पार्टी की बहुत विश्वसनीय मेहनती लीडरशिप और मीडिया के सभी साथी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत को विकसित देश बनने के लिए एक बहुत शानदार शिक्षा व्यवस्था की जरूरत है। बिना शानदार व्यवस्था के, हर बच्चे के लिए शानदार शिक्षा व्यवस्था के बिना भारत विकसित देश नहीं बन सकता। भारत दुनिया में नंबर वन देश नहीं बन सकता। मुझे बहुत खुशी है कि माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली में एक शिक्षा क्रांति शुरू हुई और उनके नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में, उनके विजन पर चलते हुए आज दिल्ली में दिल्ली के हर बच्चे के लिए फ्री शानदार विश्व स्तरीय शिक्षा सुनिश्चित की गई है। दिल्ली में पैदा होने वाले हर बच्चे के लिए आज शानदार शिक्षा उपलब्ध है। दिल्ली के हर माँ बाप आज इस बात से संतुष्ट हैं कि हमारे बच्चे के लिए केजरीवाल जी ने शानदार स्कूल बनवा दिए हैं। इसी तरह का काम अब पंजाब में भी शुरू हो गया है। केजरीवाल जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, वहां भगवंत मान जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो पिछले 5 महीने के अंदर अंदर इतनी तेजी से काम कर रही है शिक्षा पर कि आप देखिएगा बहुत जल्द वहां पे बहुत शानदार स्कूल देखने को मिलेंगे और वहां की रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अच्छी शिक्षा आज गुजरात के भी हर बच्चे का हक है। वो चाहे गांव में रहता हो, चाहे कस्बों में रहता हो, शहरों में रहता हो, वो सरकारी स्कूल में पढ़ता हो या प्राइवेट स्कूल में पढ़ता हो, अच्छी से अच्छी शानदार शिक्षा आज गुजरात के भी हर बच्चे का हक है। तो आज मैं माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आप सबके बीच आम आदमी पार्टी की तरफ से गुजरात के हर एक परिवार को, हर एक व्यक्ति को ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि आज से हम सपना देखना शुरू कर दें कि हम अपने बच्चों के लिए, गुजरात के एक एक बच्चे के लिए, गुजरात में पैदा होने वाले हर एक बच्चे के लिए एक शानदार शिक्षा की व्यवस्था लागू करेंगे। और वो शानदार शिक्षा की व्यवस्था गुजरात के गांव देहात से लेकर शहरों तक हर जगह लागू होगी। सिर्फ ऐसा नहीं है कि शहर के कुछ स्कूलों को अच्छा करेंगे, जैसा दिल्ली में हर स्कूल को किया है। तो इसलिए आज मैं आपके बीच में अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से
केजरीवाल जी की शिक्षा गारंटी के रूप में गुजरात के सामने कहना चाहता हूं कि आप सब अरविंद केजरीवाल जी को मौका दें, गुजरात के सभी पेरेंट्स जिनके बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, या वो सभी लोग साथ साथ जो चाहते हैं कि गुजरात का आधार मजबूत करने के लिए, गुजरात को विकसित आगे बढ़ाने के लिए हर बच्चे को शानदार शिक्षा मिलनी चाहिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से, केजरीवाल जी की तरफ से गारंटी है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद गुजरात के हर बच्चे के लिए फ्री और शानदार शिक्षा व्यवस्था गुजरात में दी जाएगी, फ्री और शानदार शिक्षा व्यवस्था। दूसरा, गुजरात के हर सरकारी स्कूल को दिल्ली की तरह से इतना शानदार बनाया जाएगा जैसे कि बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल होते हैं, जैसे हमने दिल्ली में हर सरकारी स्कूल को उतना शानदार बनाया है। और यहां के सभी विद्यालयों में टीचर्स की जो कमी है वो टीचर्स की कमी तुरंत भर्ती करके दूर की जाएगी, किसी भी स्कूल में टीचर्स की कमी नहीं रहने दी जाएगी। मैं खुद गुजरात के स्कूलों में गया था और मैंने देखा था कि टीचर्स भी महीने महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर हायर किए जाते हैं, परमानेंट टीचर्स हर स्कूल में पूरी भर्ती करके किया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्राइवेट स्कूल में जिनके बच्चे पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूलों की दिल्ली में भी केजरीवाल जी की सरकार से पहले ये समस्या थी कि वहां फीस बहुत मनमाने तरीके से बढ़ाते हैं और पेरेंट्स एक बार अपने बच्चों को दाखिला तो करा लेते हैं लेकिन उसके बाद उनके हाथों लुटने पे मजबूर होते हैं। हमने दिल्ली में करके दिखाया है और गुजरात में भी करके दिखाएंगे केजरीवाल जी के नेतृत्व में कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की फीस किसी भी प्राइवेट स्कूल को नाजायज रूप से नहीं बढ़ाने दी जाएगी। तो इससे गुजरात के एक एक बच्चे को अच्छी शानदार फ्री शिक्षा की गारंटी मिलेगी। आज केजरीवाल जी की तरफ से मैं आपके समक्ष ये गारंटी रख रहा हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि गुजरात के लोग अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, आने वाली पीढ़ियों की शिक्षा के लिए केजरीवाल जी की इस गारंटी के आधार पर केजरीवाल जी को एक मौका जरूर देंगे। धन्यवाद। अब गुजरात में लगभग 1 करोड़ बच्चे स्कूल जाते हैं, उसमें 53-54 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं और 44 लाख के करीब बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं। दोनों के साथ धोखा होता है, जो प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं उनकी फीस मनमानी बढ़ा देते हैं, उनको जबरदस्ती करते हैं उनके साथ, और जो सरकारी स्कूलों में जाते हैं सरकारी स्कूलों की हालत बहुत ख़राब है। तो अभी जो मनीष जी ने अभी आपके सामने पूरा खाका रखा उससे गुजरात के इन 1 करोड़ बच्चों का भविष्य सुधरेगा, ये बहुत बड़ी बात है, तभी गुजरात की तरक्की होगी और तभी देश की तरक्की होगी। और ये जो आज स्कूलों की और शिक्षा व्यवस्था की बहुत बुरी हालत है, ये भारतीय जनता पार्टी के 27 साल के कुशासन का नतीजा है। इनको अगर एक मौका और दे दिया तो 5 साल और खराब करेंगे ये लोग। अब मैं आपको स्वास्थ्य की गारंटी के ऊपर आता हूँ। गुजरात के सरकारी अस्पतालों का, सरकारी डिस्पेंसरी का बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। धीरे धीरे इस पूरे सिस्टम को ख़त्म किया जा रहा है, जानबूझ के ख़त्म किया जा रहा है, और इसलिए ख़त्म किया जा रहा है ताकि आदमी मजबूरी में प्राइवेट स्कूल अस्पतालों में प्राइवेट डॉक्टरों के पास जाने के लिए मजबूर हो। और प्राइवेट अस्पताल इतने महंगे हो गए कि अगर एक कोई बड़ी बीमारी किसी के हो जाए तो पूरी जमीन जेवर सब बिक जाते हैं, आदमी कर्जे में आ जाता है और कई किसान इस वजह से सुइसाइड कर लेते हैं क्योंकि उनके पास बीमारी का इलाज करने के लिए पैसे नहीं होते। दिल्ली में हमने ये व्यवस्था की कि दिल्ली में सरकारी अस्पतालों को पहले हमने शानदार बनाया, मोहल्ला क्लिनिक को शानदार बनाया, और फिर हमने कहा कि दिल्ली के 2 करोड़ लोग, चाहे कोई अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे इस जात का हो चाहे उस जात का हो, चाहे आदमी हो औरत हो, इस धर्म का हो उस धर्म का, 2 करोड़ लोगों को, सबको पूरा इलाज मुफ्त होगा, सारी दवाइयां, सारे टेस्ट, सारे ऑपरेशन, सब कुछ मुफ्त कर दिया हमने दिल्ली की जनता के लिए। सो पहली गारंटी स्वास्थ्य में मेरी ये है, गुजरात के हर व्यक्ति, गुजरात में रहने वाले हर व्यक्ति का पूरा इलाज मुफ्त होगा और अच्छा होगा। मुफ्त का मतलब ये नहीं कि सरकारी अस्पताल इतने खराब होंगे कि आप जाना ना चाहें,
तो मुफ्त होगा और अच्छा होगा। दूसरी गारंटी, सारी दवाइयाँ, सारे टेस्ट, सारा इलाज, सारा ऑपरेशन, अमीरों का भी गरीबों का भी सबका मुफ्त होगा। अमीर प्राइवेट में जाना चाहे उनकी मर्जी है, लेकिन उन किसी से ये नहीं पूछा जाएगा बीपीएल कार्ड दिखाओ। जो सरकारी अस्पताल में जाएगा उसका इलाज मुफ्त होगा। तीसरी चीज, जैसे दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, हर गांव के अंदर एक गांव का क्लिनिक खोला जाएगा और शहरों में हर वार्ड के अंदर एक क्लिनिक खोला जाएगा। तो जितनी छोटी मोटी बीमारियां, खांसी, जुकाम, बुखार, उसके लिए आप मोहल्ला क्लिनिक में जाओ, आपको बड़े अस्पताल में जाने की जरूरत नहीं है। एयर कंडीशनड हैं सारे के सारे, शानदार हैं, वहां पे आप जा सकते हो। चौथी चीज, जितने सरकारी अस्पताल हैं आज गुजरात में, इनको प्राइवेट के मुकाबले अच्छा किया जाएगा, शानदार किया जाएगा, सेंट्रली एयर कंडीशन किया जाएगा। सभी सरकारी अस्पतालों को अच्छा करेंगे और नए सरकारी अस्पताल भी खोलने की जरूरत पड़ेगी, वो भी खोलेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कहते हैं मुफ्त होगा और इलाज हो ही ना, इलाज शानदार होगा, अच्छा होगा। और आखिरी चीज, दिल्ली में हमने एक स्कीम बनाई है, अगर किसी का भी एक्सीडेंट होता है उसका पूरा इलाज हम मुफ्त कराते हैं, चाहे उसका प्राइवेट में कराना पड़े। अगर सीरियस एक्सीडेंट हो जाए और सरकारी अस्पताल में नहीं हो सकता तो बेस्ट से बेस्ट प्राइवेट अस्पताल में उसका इलाज कराते हैं, सारा खर्चा दिल्ली सरकार देती है। अभी तक पिछले 3 साल में 13,000 लोगों की हम जान बचा चुके हैं स्कीम के तहत, क्योंकि एक्सीडेंट होता है लोग कोई उसको उठा के नहीं ले जाता अस्पताल, उसे लगता है मैं अस्पताल ले गया तो मेरे पल्ले पड़ जाएगा। हमने कहा आप अस्पताल ले जाओ, उसका सारा खर्चा हम देंगे, बस अस्पताल में ले जाकर उसको एडमिट करा दो। तो ये 5 गारंटी आज मैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में दे रहा हूं। एक दो चीजें और बात करना चाहता हूं। अभी थोड़े दिन पहले मैं आया था, लगभग 1-1.5 महीना पहले, तो कई सारे पूर्व सैनिक, एक्स सर्विसमैन धरने पे, प्रदर्शन पे बैठे हुए थे। तो उनकी एक डिमांड ये थी कि जो गुजरात का रहने वाला व्यक्ति सेना में शहीद हो जाता है बॉर्डर पे, तो उसको उचित मुआवजा नहीं मिलता। दिल्ली में हम लोग, दिल्ली का रहने वाला अगर कोई भी व्यक्ति फौज में है और काम कर रहा है और बॉर्डर पे शहीद हो जाता है, हम उसको 1 करोड़ रुपए देते हैं। तो उस टाइम मैंने उनके बिहाफ पे मैंने ऐलान किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम उनको 1 करोड़ रुपए देंगे। मुझे बेहद खुशी है कि कल गुजरात सरकार ने ऐलान किया है कि वो भी अपने पूर्व सैनिक, कोई भी शहीद होगा तो उसको 1 करोड़ रुपए की राशि देगी। मैं इसके लिए गुजरात सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन एक डिमांड और है मेरी, हमारी दिल्ली में जो स्कीम है उसमें सैनिक भी शामिल हैं और पुलिस वाले भी शामिल हैं, क्योंकि पुलिस भी अपनी जान जोखिम में डाल के उनको बचाती है। तो अगर कोई पुलिस वाला भी किसी ऑपरेशन में शहीद हो जाता है, उसके परिवार को भी मैं खुद उनके घर जाके 1 करोड़ का चेक देके आता हूँ। तो गुजरात पुलिस के भी कर्मचारियों को इस में शामिल किया जाए 1 करोड़ रुपए वाली स्कीम के अंदर, कि अगर गुजरात पुलिस का भी कोई व्यक्ति शहीद होता है तो उसको भी 1 करोड़ मिलेगा। दूसरी चीज, ये मैं नहीं कह रहा, ये जनता कह रही है कि ये जो 1 करोड़ इन्होंने ऐलान किया है, इन लोगों की मंशा नहीं है करने की, 3 महीने बाद चुनाव है इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि बाकी किसी भी राज्य में नहीं किया इन्होंने, बीजेपी वालों ने, मध्य प्रदेश में भी नहीं किया, हिमाचल में भी नहीं किया, यूपी में नहीं, गुजरात में किया क्योंकि 3 महीने बाद चुनाव है। तो जनता ऐसा कह रही है कि इनकी मंशा नहीं है करने की। पहले 1 लाख रुपए देते थे, अभी तक वो भी देते नहीं थे, कागजों में थे, लोगों को धक्के खाने पड़ते थे 1 लाख रुपए लेने के लिए भी। मेरा ये निवेदन है गुजरात सरकार से, अगले 10 दिन के अंदर, पिछले 5 साल में जितने भी शहीद हुए हैं लोग, उनको सबको 1-1 करोड़ रुपए की राशि दी जाए, ताकि जनता को भरोसा हो कि आप देंगे, आप झूठा ऐलान नहीं कर रहे। और अगर गुजरात सरकार नहीं देती तो हमारी सरकार बनने के बाद 10 दिन के अंदर, सरकार बनने के 10 दिन के अंदर, 5 साल में जितने गुजरात के रहने वाले शहीद हुए उन सबके परिवारों को हम 1-1 करोड़ रुपए की राशि देंगे। एक बात की स्टेट ट्रांसपोर्ट के जो एम्प्लॉयज हैं, स्टेट ट्रांसपोर्ट में जो काम करने वाले हैं उनकी तनख्वाह बहुत कम है, जो कच्चे कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह बहुत कम है, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा कंडक्टर हैं, ड्राइवर हैं, वो बहुत ज्यादा दुखी हैं, मेरे से मिलने के लिए आए थे। मैं ऐलान करता हूं कि हमारी सरकार बनने के 1 महीने के अंदर उनकी जितनी मांगे हैं वो सारी मांगे पूरी की जाएंगी।
सभी गुजरात सरकार के स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के सभी ड्राइवर्स, कंडक्टर्स और दूसरे कर्मचारियों से उनसे निवेदन करता हूं कि जब आप बसों में चल रहे होते हैं, एक एक यात्री को बोलो कि अब बदलाव चाहिए गुजरात को, अब बदलना है। एक एक यात्री को बोलो कि इस बार झाड़ू पे वोट डालनी है। सारे ड्राइवर, सारे कंडक्टर लग जाओ, 3 महीने का टाइम है। सब लोग एक एक यात्री को, हर बस के अंदर एक एक यात्री को बोलो और खड़े होकर सामने बोलो कि इस बार झाड़ू पे वोट डालनी है, आपका काम करने की जिम्मेदारी मेरी है, आपकी तनख्वाह 1 महीने के अंदर हम बढ़ा देंगे। थैंक यू। कोई क्वेश्चन है तो बताइए। हाँ, एक बार ही बता रहे हैं। मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग था कि मेरे पास मैसेज आया कि, दो मैसेज थे, दो पार्ट थे उस मैसेज के, कि एक तो आपके खिलाफ जितने ईडी के, सीडी के, सीबीआई के केस चल रहे हैं, इनको सबको खत्म कर दिया जाएगा, और दूसरा कि आप बीजेपी ज्वाइन करके, पार्टी तोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए और हम आपको सीएम बना देंगे, क्योंकि हमारे पास में कोई सीएम कैंडिडेट नहीं है वहां पे दिल्ली में, भारतीय जनता पार्टी में। तो मैंने कहा भाई, ये सीबीआई, ईडी जितने केस चल रहे हैं, इनकी सच्चाई तो मैं जानता हूं, क्योंकि ये सारे केस फर्जी हैं। मैं एक ईमानदार आदमी हूं, इनफैक्ट मैं अरविंद केजरीवाल जी की टीम में हूं ही इसलिए कि मैं एक कट्टर ईमानदार आदमी हूं। मैंने अब तक सारा काम ईमानदारी से किया है, कट्टर ईमानदारी से किया है। तो इन फर्जी केस में कोई दम नहीं है, आप इनकी धमकियां तो नहीं दे सकते मुझको, इनसे नहीं डरा सकते। और रही सीएम कैंडिडेट बनाने की बात, सीएम बनाने की बात, तो मैंने स्पष्ट किया कि मेरा सपना सीएम बनना नहीं है। मैं यहां राजनीति में सीएम बनने के ख्वाब लेके नहीं आया। मैं जो ख्वाब लेके आया हूं वो ये है कि दिल्ली के हर बच्चे को शानदार एजुकेशन मिले, और आज मैं काम कर रहा हूं कि देश के हर बच्चे को शानदार एजुकेशन मिले, वो चाहे गरीब का बच्चा हो या अमीर का बच्चा। मेरा सपना यह है, मैं उस सपने पे काम कर रहा हूं, और मैं जानता हूं कि यह सपना अरविंद केजरीवाल जी ही पूरा कर सकते हैं। इस देश में कोई और नेता नहीं है जो देश की एजुकेशन को वहां ले जा सकता हो जहां से हमारे देश के हर बच्चे को शानदार एजुकेशन मिले। तुम्हें यह भी आप भूल जाओ कि मैं किसी सीएम कैंडिडेट बनने के और सीएम बनने के चक्कर में यहां हूं। मैं तो अरविंद जी के साथ हूं, अरविंद जी मेरे राजनीतिक गुरु हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के आदेशों पर, उन्हीं के डायरेक्शंस में दिल्ली में काम किया है और राजनीति में काम किया है। देखिए, जो लोग, जिन्होंने मुझे मैसेज दिया, उन्होंने मुझे कहा कि वेस्ट बंगाल में शुभेंदु अधिकारी जी को हमने ही ज्वाइन कराया था, असम में हेमंत शर्मा जी को हमने ही ज्वाइन कराया था, फिर नारायण राणे जी से लेके और जो और ज्वाइनिंग उन्होंने कराई हैं, तो उन्होंने कहा कि हम पे आप भरोसा रखिए, हम लोग इसमें हैं, हम ही ज्वाइन कराते हैं, जयंत पांड्या जी को भी हमने ही ज्वाइन कराया था। तो अब आप पूछ लीजिए उन लोगों से, उनको किसने ज्वाइन कराया था। एक एक करके वो छोड़ दीजिए, आप चिंता मत कीजिए। ये तो वही लोग बताएंगे ना कि उनको किन्होंने ज्वाइन कराया था। मुझे मेरे पास जो लोग आए उन्होंने दावा किया। लोगों से भी पूछ लीजिए आप। हम दोनों दूसरा सवाल ये है कि वो जानना चाहते हैं कि कौन सा राजपूत समाज नारा दे, आपने लिखा है राजपूत समाज नारा। मैं
शहीद भगत सिंह का फॉलोअर भी हूं, मैं महाराणा प्रताप की दिलेरी बहादुरी का फॉलोअर भी हूं, मैं गांधी से लेके सरदार पटेल तक सबको अपना गुरु अपने पिता तुल्य मानता हूं और उनको अपने जीवन का आदर्श मानता हूं। पूरे देश में लोग नाराज हैं। जे एक मिनट, जिस व्यक्ति को पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था सौंप देनी चाहिए, जिस व्यक्ति ने 5 साल के अंदर करिश्मा करके दिखा दिया, मौजूदा रवायती पार्टियां 70 साल में जो काम नहीं कर पाई और जिस व्यक्ति ने वो काम करके दिखा दिया कि सरकारी स्कूलों को शानदार बना दिया, इस देश के गरीब बच्चों को भविष्य दे दिया, उस व्यक्ति पे सीबीआई की रेड कराते हो तुम लोग? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? और फिर ये अनर्गल बातें कर रहे हो। ऐसे व्यक्ति को तो भारत रत्न मिलना चाहिए, पूरे शिक्षा व्यवस्था प्रधानमंत्री जी को बुलाना चाहिए, उनको कहना चाहिए भाई जो भी पार्टी हो, पार्टीबाजी करने थोड़ी, देश का विकास करना है। मनीष जी बैठिए, हमें बताइए कैसे शिक्षा व्यवस्था ठीक करें, ये होना चाहिए था। ये जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, सारे समाज नाराज हैं, राजपूत भी नाराज हैं, ब्राह्मण भी नाराज हैं, बनिए भी नाराज हैं, एससी भी नाराज हैं, एसटी भी नाराज हैं, अमीर भी नाराज हैं, गरीब भी नाराज हैं, औरतों भी नाराज हैं, आदमी भी नाराज हैं, सब नाराज हैं कि मनीष सिसोदिया को गलत तरीके से सताया जा रहा है। उनको अब 3-4 दिन में इनको गिरफ्तार कर लेंगे। गिरफ्तार करने का क्या नतीजा होगा? 3 महीने 4 महीने तक शिक्षा व्यवस्था सफर करेगी? किसके फायदे में है ये? पूरा केस फर्जी है, किसको फायदा होगा? हम काम रुकने नहीं देंगे, लेकिन थोड़े दिन के लिए बाधा तो पहुंचेगी, इससे देश का भला होगा क्या? क्या चेंज कर दिया? लीगल पॉलिसी जो थी सीबीआई की रेड होने के बाद, तुरंत ही लीगल पॉलिसी को चेंज क्यों कर दिया? सीबीआई की रेड होने के बाद नहीं किया, 1 अगस्त को किया था। उसका कारण है 850 दुकानें खुलनी थी दिल्ली के अंदर, एक एक करके 350 दुकानें खुल पाई, 500 दुकानें नहीं खुल पाई। जिस तरह से केंद्र सरकार और सारी एजेंसीज दबाव डाल रही थी हमारे अफसरों के ऊपर, अफसरों ने उस पॉलिसी के तहत नई दुकानें का ठेका करना, नीलामी करने के लिए मना कर दिया। एलजी का दबाव था, पुलिस का दबाव था, सेंट्रल एजेंसीज का दबाव था। वो पॉलिसी बहुत अच्छी है, हम किसी के साथ भी डिबेट करने के लिए तैयार हैं। हमारे पास ऑप्शन नहीं थी, अगर हम वो नहीं करते सारी दुकानें बंद हो जाती और वहां पे नकली दारू बिकनी चालू हो जाती जैसे आज गुजरात के अंदर है। इसलिए हम पुरानी वाली पॉलिसी पे चले गए। पुरानी पॉलिसी में 100 कमियां हैं, लेकिन कम से कम नकली दारू तो नहीं बिक रही है। हमारे को कोई लालसा नहीं है, जैसा मनीष जी ने कहा ये सीएम बनने नहीं आए और मैं भी पीएम बनने नहीं आया, हमारा एक ही सपना है। 75 साल हो गए हमारे देश को, अभी तक हमारा देश पिछड़ा क्यों रह गया? हमारे बाद जो देश आजाद हुए वो हमसे आगे चले गए, सिंगापुर आगे चला गया, जापान आगे चला गया, जापान तहस नहस हो गया था, जर्मनी तहस, हम पीछे क्यों रह गए? वो इन्हीं लोगों की वजह से रह गए, अगर इनके भरोसे। तो अब हमारे पास हमें सबको मिलकर देश को आगे बढ़ाना है। मेरा एक ही सपना है, भारत को दुनिया का नंबर 1 देश देखना है। वो नेता और पार्टियां नहीं कर सकते, आप सब लोगों के साथ मिलके 130 करोड़ लोगों को एक साथ मिला के और इस देश को नंबर 1 बनाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे हम। जो पॉलिसी आज नशाबंदी की चल रही है वो नशाबंदी की पॉलिसी लागू रखेंगे, लेकिन गैर कानूनी शराब का धंधा नहीं करेंगे। वो धंधा करते हैं, 10,000 करोड़ की दारू का धंधा करते हैं, ये उनका धंधा है। हम अपनी पार्टी को गैर कानूनी शराब बेच के नहीं चलाएंगे। नहीं, मैं समझा नहीं, आपके ऊपर हमले का खतरा है ऐसे यहां के लोकल नेता? वो ये कराते हैं ना दूसरी पार्टी वाले, किसी से परमिशन मांगी थी आप तो ये गुजरात में आने
दूसरी पार्टी वाले सब कुछ कर सकते हैं, गुजरात के लोग नहीं करेंगे, ये दूसरी पार्टी वाले करेंगे। गुजरात के लोग बिल्कुल नहीं, गुजरात के लोग अब हमें प्यार करते हैं, गुजरात के लोग इनके 27 साल के शासन से तंग आ चुके हैं। अच्छा आप एक छोटी सी चीज बताओ, कोई आदमी अगर आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देता है, आप उसे प्यार करोगे कि नहीं करोगे? करोगे। कोई अगर आपके परिवार का अच्छा इलाज करा देता है, आप उसे प्यार करोगे कि नहीं करोगे? कोई कहता है मैं आपको 24 घंटे बिजली दूंगा, मुफ्त बिजली दूंगा, ये तो करते नहीं है सब, मैं करता हूं तो मेरे से क्यों नहीं प्यार करेंगे गुजरात के लोग यार? वो तो आरोप लगाते रहेंगे, उनको मत सुनिए आप, गुजरात की जनता को सुनिए। गुजरात आज ये सारा, मैं आपसे एक पूछता हूं प्रश्न, ये सारा रेड वेड अब अचानक क्यों चालू हो गई? इसको गिरफ्तार कर लिया, एक और कल केस, एक और रजिस्टर कर दिया, अभी तो बहुत गिरफ्तारियां होंगी। ये सब गुजरात के चुनाव की वजह से, दिसंबर में खत्म हो जाएगा, दिसंबर तक हो रहा है बस, ये दिसंबर तक चुनाव हो जाएगा गुजरात का। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक रही है, इनका 27 साल का शासन खिसक रहा है। अभी मनीष भी गिरफ्तार होंगे और भी कई हो सकता है, मेरे को भी कर ले, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, होमगार्ड्स की जितनी भी मुद्दे हैं, होमगार्ड्स की जितनी भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को मैं आश्वासन देता हूं कि सरकार बनने के एक महीने के अंदर हम पूरा करेंगे। होमगार्ड से भी मेरा निवेदन है, जम के प्रचार करें, आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएं, आपके मुद्दों का समाधान हम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।